वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां पर अयोध्या दौरे पर है, उसी बीच में काबुल नदी के जल से राम लला का अभिषेक हुआ है। काबुल नदी का जल लेकर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसकी तस्वीरें भी आ चुकी है। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, काबुल नदी का जल लेकर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और उसके बाद काबुल नदी के जल से राम लला का अभिषेक किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि काबुल से एक लड़की ने पीएम को ये जल भेजा था, काबुल नदी का जल भेजा गया था और प्रधानमंत्री से काबुल नदी के जल से अभिषेक करने का आग्रह किया गया था। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अयोध्या दौरे पर इस वक्त हुए और इन्हीं तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उसी बीच में खबर ये आई है, जहां पर एक तरफ अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, तो काबुल नदी के जल से राम लला का अभिषेक किया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। काबुल नदी के जल से राम लला का अभिषेक हुआ है, काबुल से एक लड़की ने पीएम को यह जल भेजा था, आग्रह किया था इस जल का इस्तेमाल किया जाए राम लला का अभिषेक करने के लिए। और उसी बीच ये तस्वीरें आई हैं, जहां पर अफगानिस्तान से काबुल से आया हुआ यह जल जिसे अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया राम लला के, आग्रह किया था इस लड़की ने काबुल नदी का जल भेजने के साथ ही। उमेश पाठक मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उमेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर काबुल नदी के जल से राम लला का अभिषेक मुख्यमंत्री ने किया। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान की एक लड़की ने पीएम नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का पवित्र जल भेजा था, जो कि जल राम जन्मभूमि पर समर्पित करने के लिए भेजा गया था, एक छोटी शीशी में लाया गया था। और उसकी भावना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह जल सौंपा था। अफगानिस्तान में रहकर भी जो लोगों की आस्था है उसके मद्देनजर योगी आदित्यनाथ उस जल को आज लेकर के जा रहे हैं और भगवान श्री राम के लिए मंदिर निर्माण के लिए तमाम नदियों से जो जल आया हुआ है उसी में इस जल को भी शामिल किया जाएगा। तो एक तरह से उसकी भावना को ख्याल रखते हुए न सीएम बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उस जल को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन इससे उमेश संदेश क्या जाता है, एक लड़की ने अफगानिस्तान से काबुल नदी का जल भेजा, आग्रह किया और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं जब इसका इस्तेमाल अभिषेक के लिए किया गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से ही जो अयोध्या है और अयोध्या खास करके भगवान राम उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो भव्यता है, उसका महत्व है, उसको देश दुनिया में पहुंचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल, तस्वीरें ये हम देख रहे हैं। हमें शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक ले, रुकना होगा इसी के साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।